सियासी मैंबरी कमेटी बनाई गई। ब्लाक प्रधान नंबरदार लखविंदर सिंह लखा की अगवाई हेठ पिंड पदास विच अज आम आदमी पार्टी का विशाल इकट्ठ होया। सब डिवीजन कुलथ विच पैंदे पिंड पदास विखे विशाल इकट्ठ होया। ए इकट्ठ आम आदमी पार्टी के ब्लाक प्रधान नंबरदार लखविंदर सिंह लखा की अगवाई हेठ होया। आम आदमी पार्टी के हाईकमान अते हलका इंचार्ज आम आदमी पार्टी के एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुम्मन की रहनुमाई हेठ ए विशाल मीटिंग की गई। इस मौके ब्लाक प्रधान नंबरदार लखविंदर सिंह लखा वल्लों लोगों नूं संबोधन करदिया कहा कि असी हलका इंचार्ज हरसिमरन सिंह घुम्मन आने वाले समय के MLA होणगे अते लोकां दे सारे काम किते गए हन अते जिहड़े काम रहिंदे हन ओह वी हो जाणे हन। उन्हां कहा कि सरप्रस्त रणजीत सिंह राणा ते सच ते चलण वाले हन। हुण उन्हां दे सपुत्र एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुम्मन हलका इंचार्ज भी अपने पिता दे आदेश ते चल रहे हन। इस तों बाद डॉक्टर सरबजीत सिंह मान ब्लाक प्रधान बरियार वल्लों भी लोगों नूं दस्या कि आम आदमी पार्टी जो तुहाडी अपनी पार्टी है जो तुहाडे काम पहल आधार ते किते जाणगे। इस मौके ब्लाक प्रधान सरबजीत सिंह पप्पल वल्लों भी लोगों नूं संबोधन किया गया। इस मौके निशान सिंह हुंदल लखविंदर सिंह अकबरपुर पिंड पदास दे प्रधान प्रहलाद सिंह जसवंत सिंह मास्टर हजूर सिंह मास्टर निशान सिंह हरचरण सिंह मैंबर लखविंदर सिंह मैंबर बलविंदर सिंह सूबेदार लखवंत सिंह भजन सिंह सुखा सिंह प्यारे लाल जिंदर सिंह बलवीर सिंह अजीत सिंह बलकार सिंह अजय कुमार परमजीत सिंह यादविंदर सिंह सुखजिंदर सिंह रणयोत सिंह दलेर सिंह अते होर हाजिर सन। कन्नू पुलथ की विशेष रिपोर्ट। अज आप जो पंजाब सरकार भगवंत सिंह मान जिन्होंने पहला ब्लॉक प्रधान बनाए जिले प्रधान बनाए हूँ इन्होंने जो पिंड वाइज कमेटी 21 मैंबरी 31 मैंबरी पिंड के हिसाब न जिदा साडे पिंड 9 वाटा हैं उस हिसाब न अज असी 61 मैंबरी कमेटी तो भी उपर बना रहे हाँ जो पंजाब सरकार वालों सहूलत मिलनी हैं ये जो कमेटी के मैंबर हैं इन्होंने ये सहूलत पहल के आधार से मिलनी हैं जिदा कि स्पोर्ट्स किटा या जो भी सरकार वालों मुहैया कराया जाएगा वो कमेटी के मैंबर सारियां ये सहूलत दी जाएगी। जो पिंड लैवल से सहूलत हैं वो भी दी जाएगियां ग्रांटा जो भी आने वाले समय में साडे नगर नूं किसी भी किसी चीज़ की लोड़ होवे वो सरकार पूरी करेगी। उन्हें मुताबक कहते अज ही तकरीबन 80 मैंबरी कमेटी बनाई है। मैं सारे आने सज्जन जो पिंड आए ने पतवंते सज्जन नौजवान वीर उन्हों का भी धन्यवाद करना जो अपने पंजाब सरकार नुमाइंदे जिदा लखविंदर सिंह लखा जी ब्लॉक प्रधान हैं जो अपने सरबजीत सिंह पप्पल सरपंच भी रहे हैं वो डॉक्टर बरियार सुनीत सिंह सारे जो बाहरों आए उन्होंने धन्यवाद करने हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू। पिंड पदास दे नंबरदार भजन सिंह जी सरदार प्रहलाद सिंह जी सारे ही पतवंते सज्जन जिन्हें मास्टर हजूर सिंह जी बैठे ने होर भी सारे ब्लॉक प्रधान सरदार लखविंदर सिंह जी लखा बौड़ी ब्लॉक प्रधान डॉक्टर सरबजीत मान जी सरदार लखविंदर सिंह जी अकबरपुर तो पदास की सारी सात संगत जी और सब तो पहला फतेह बुलाइए वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने काफ़ी मेहनत करके जो लोगों ने वादे करके भारी बहुमत सरकार बनाई सी पंजाब विच वो जिहड़े वादे ने इकली जिहड़ी गरंटी सी वो पूरियां होन जा रही ने कुछ हो गई ने कुछ आने वाले समय में होर हो जाणियां ने। जिस तरह सानू हाईकमांड ने ब्लॉक प्रधान बनाए ने दास नूं भी डॉक्टर सरबजीत मान नूं
लखविंदर सिंह जी बौली जी और तुहाडा पिंड पदास जिहड़ा है वह लखविंदर सिंह बौली कोल है जिन्हां दी अगवाई हेठ अज हर पिंड विच घट तो घट 21 मैंबरी वध तो वध जिन्ने भी वार्डां वध होण उन्नियां कमेटी मैंबर बन सकते हैं। जिस तरह मैं देख रहा लिस्ट तुहाडे पिंड शायद घट तो घट 80 मैंबर मैं ना पढ़ता पिया सी कि क्योंकि वड्डा पिंड है। इन्हां दा मतलब यह हुंदा है ये कमेटियां बनाउण दा मतलब यह है कि जिस तरह असीं तुहाडे कोल सरकार दीआं नीतियां नूं सरकार दे कीते होए कम्मां नूं सरकार दीआं प्राप्तियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणियां ने अगों जिहड़े तुसीं 60-70 मैंबर बने हो ये तुसीं घर घर जा के अपने हर एक घर जा के नाल दे लगदे गवांढी घर सामने घर जा के यही नीतियां तुसीं अगां पहुँचाउणियां ने कि सरकार जिहड़ी है वह देखो काम कर रही है तुहाडे वास्ते और साडा फर्ज भी बनता है कि असीं सरकार वास्ते कुछ ना कुछ करिए। दूसरी गल यह है कि तुहानूं पता है कि हर पार्टियां कितें मीटिंगां भी हुंदियां ने पंजाब लेवल दीआं रैलियां भी हुंदियां ने जिस तरह पिंडां विच बसां भर भर के जांदियां ने पहलां जिवें घर घर जाना पैंदा सी कल्ले सरदार प्रहलाद सिंह जांदे सी नंबरदार जांदे जां होर कोई जांदा सी हुण तुसीं सारे ही कमेटी मैंबर बन गए हो तुसीं सारे ही सरदार प्रहलाद सिंह बन गए हो। जे तुहानूं दो बसां मिलियां ने 60-70 मैंबर तुसीं बन गए हो जे एक एक मैंबर तुसीं नाल होर लै लवो पिंड चों तो 120 बंदा जिहड़ा 140 बंदा तुहाडा दो बसां भर के बड़े आराम नाल बहुत ही मेहनत करन दी लोड़ ना पवे सरदार प्रहलाद सिंह नूं जां नंबरदार साहब नूं तुसीं अपनियां जिम्मेवारियां आप समझो अपनी ड्यूटियां आप समझो। बाकी जिस तरह सरकार बहुत कुछ कर रही है साडे पिंडां दे विकास वास्ते सिर्फ इंतजार एक हो रहा कि कदों पंचायती चोणां आ जाण बहुत जल्दी ब्लॉक समिति जिला परिषद अते सरपंची दीआं चोणां नेड़े आ रही ने और जदों भी नवीं पंचायतां बन गईआं नवे समिति मैंबर बन गए नवे चेयरमैन बन गए जिला परिषद मैंबर बन गए फिर अपने आप ही जिहड़ा विकास का काम है लीह ते शुरू हो जाना पैना। सो मैं ज़्यादा विस्तार विच नहीं जाना एक बार फिर आप सब नूं इहो ही अपील करदा हाँ कि आम आदमी पार्टी नाल जुड़ो सरकार नाल जुड़ो तां जो आने वाले समय में हर पिंड भारी बहुमत नाल सानू ये बहुमत मिले और जो साडे हलका इंचार्ज सरदार एडवोकेट हरसिमरत सिंह जी घूमन और हल्के के सरप्रस्त उन्होंने फादर साहब सरदार रणजीत सिंह जी राणा जिन्होंने साडे हल्के बहुत मेहनत की है हुण उन्होंने फरजंद एडवोकेट हरसिमरत सिंह जी घूमन जी साडे हलका इंचार्ज ने उन्हां वल्लों भी मैं संदेश पहुँचांदा हाँ कि वध तो वध आम आदमी पार्टी वास्ते काम करिए असी और वो दिन रात तुहाडे वास्ते काम कर रहे ने किसी भी नूं भी तकलीफ होवे किसी वार्ड के बंदे नूं तकलीफ होवे वो जदों मर्जी भलत विखे पहुँच कर सकदा है सरदार प्रहलाद सिंह जी नाल जां नंबरदार लखविंदर सिंह जी प्रधान जी नाल और ये तुहाडे जिहड़े ये अगां वास्ते तुहानूं अपने तुहाडे काम कार कराउण विच सहाई होणगे और किसी का काम नहीं रुकेगा कोई काम नहीं रुकेगा जायज़ काम करने आपां नजायज़ काम करने को नहीं किसी नशे वाले किसी चोरी वाले की मदद ना करो जी कृपा करके ये साडी पार्टी वालों भी हदायतां ने चंगे बंदे की मदद करनी है किसी चोर की किसी नशेड़ी की हालांकि उन्हें सुधारो ना कि उसकी मदद करो। सो इन बेनती मैं प्रवान करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान पिंड पदास की बैठी हुई प्यारी साध संगत जीओ आओ गज के फतेह बुलाने आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सत्कारयोग बैठे हो तुसी एक कॉल तुहाडे पिंड विच आई तुसी एक कॉल ते कट्ठे होए आने वाले समय दे विच ते अज दे समय दे विच जो अज है समा आने वाला समा इहदे नालों वध अच्छा होवेगा। जिस तरह साडे ब्लॉक प्रधान पप्पल साहब ने दस्या सारियां गल्लां उन्होंने तुहानूं समझा ही दित्तियां हन। इस वक्त पंजाब सरकार की जो नीति आ पिंडां दे प्रति ज़्यादा तौर शहरां दे लोक बहुत डिवेलपमेंट होए आ साडे पिंडां दे विच थोड़ियां कमियां आईयां होईयां कमियां तां नहीं आईयां सी जिहड़ियां पिछलियां सरकारां सी ना उन्हां ने पिंडां दे लोकां नूं कोई समझ ही नहीं आउण दित्ती उन्हां ने अपने ज़्यादा तौर ढिड भरे। इस समय जो सरकार है सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार वो तुहाडी अपनी सरकार है लोग ते सरकार जदों एक हो जांदे आ
फिर सरकार ते लोकां च कोई फर्क नहीं रह जांदा, फिर लोकां दी सरकार गिणी जांदी है। तुहाडे पिंडां दे विच कई वारी नालियां गलियां दे काम यही चलते रहे, नालियां टोबियां दे विच ही रखिया। सो अज दी जो सरकार है सरदार भगवंत सिंह मान दी सरकार, उन्होंने एक हीरा तराशिया अपने भलाथे एरिए दा। हीरा जिहड़ा सीगा उह पहला लुकिया होया सी, क्योंकि सच्चाई हमेशा लुकी रहिंदी हुंदी आ, झूठ दे पलंदे जिहड़े हैगे आ उह उपर उठदे बुलबुलियां वांग उठदे रहिंदे आ। सरदार रणजीत सिंह राणा जिन्हां दी सोच साढ़े इलाके वास्ते एक बहुत अच्छी चीज़ है, वह हमेशा ही साढ़े इलाके नूं एक खूबसूरत देखना चाहुंदे हन, पिंडां दे लोकां नूं खूबसूरत देखना चाहुंदे हन, पिंडां दे काम करा के उन्हां नूं लोकां नूं खुश देखना चाहुंदे हन। उन्हां दी इह सोच है। उन्हां दे हुण इस टाइम जो सपुत्र सरदार हरसिमरत सिंह घुम्मण, उन्हां दी सोच मैं देखिया उन्हां तों वी बुलांदे आ। वह यही चाहुंदे आ कि साढ़े पिंडां दे जिहड़े लोक हन वह वधिया तरीके नाल उन्हां नूं सेहत सहूलतां मिलण, उन्हां दी एजुकेशन दा सिस्टम वधिया होवे, उन्हां नूं किते थाणियां कचहरियां दे विच धक्के ना खाने पैण। ये सारा जिहड़ा बायोडाटा इकट्ठा करके उन्होंने ब्लॉक प्रधान बनाए। उन्होंने फिर एक काम किया, कहन लगे इस तरह करो कि एक आपां पिंडां दे विच ना कोई 21 मैंबरी कमेटी जां 31 मैंबरी जां कोई भी कमेटी तैयार की जाए, उन्हां दा एक मुखिया तैयार किया जाए, जिस तरह सरपंच साहब हन प्रहलाद सिंह जी, इन्हां नूं आपां आगू एक मान लिया। कोई भी तुहाडे पिंड दी गलबात होवे, तुहानू कचहरियां 'च जाण दी लोड़ नहीं, तुहानू थाणियां 'च जाण दी लोड़ नहीं, तुहानू किसे होर काम नहीं लोड़ नहीं, तुसीं सारी जिन्नी अपनी प्रॉब्लम है ये सरदार साहब नूं दस देनी, प्रहलाद सिंह जी नूं। इन्हां ने जिहड़ी हैगी आ उह अगे जिहड़े ब्लॉक प्रधान बैठे हन, घुम्मण साहब बैठे हन, उन्हां नूं दसणी हैगी आ असली जिहड़ा इह मैंबरी कमेटी बनाउण दा इह मतलब हैगा हैगा। दूसरा सैकंड ही है, बहुत जड़े लो जिहड़े लोग हैगे आ उह किस तरह एक दूसरे दे मगर, यार ये किस तरह हो सकदा काम, इह तां कदी होणा नहीं, नामुमकिन। एक कदी भी दिमाग विच नहीं सोचना कि साडा काम ये नहीं होने वाला। तुहाडी किसे पुछ गिछ नहीं, तुसीं आण के ब्लॉक प्रधानां नाल मिल सकते हैं, प्रहलाद सिंह नाल गल कर सकते हैं, वो तुहाडी हर वक्त जिहड़े आ वो तुहाडे नाल मोढा नाल मोढा लगा के वो खड़े होणगे। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। गल्लां तां मुकणियां नहीं, पप्पल साहब ने भी दस दित्ता आ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਸ ਐਮ ਏ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਨੇ ਆ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MLA ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।